जिला सांबा में अब आपको अलग अलग इलाकों में नाकों पर जो है महिला पुलिस कर्मी दिखाई देंगी और उसी के साथ साथ महिला पुलिस ऑफिसर दिखाई देंगी। जी हां, आपको बता दें कि जिला पुलिस सांबा के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने एक अहम फैसला लेते हुए महिला ऑफिसर्स की और उसी के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है नाका पॉइंट्स पर भी कर दी है। ये आज से ऑर्डर जो है ये एसएसपी सांबा बेनाम तो जी का जारी हो चुका है, क्योंकि एसएसपी सांबा बेनाम तो जी का इस समय एक ही मोटिव है कि जिला सांबा से नशे को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है, क्राइम को खत्म करना है, और उसी को लेकर यहां पर महिला पुलिस ऑफिसर्स की और महिला पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनकी अब जो है अहम भूमिका हमें जिला सांबा में देखने को मिलेगी नशे को खत्म करने के लिए और क्राइम को खत्म करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये एक अहम फैसला एसएसपी सांबा बेनाम तो जी की तरफ से लिया गया है, जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जिस तरह से महिला पुलिस ऑफिसर्स की और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती अब जो अलग अलग जिला सांबा के जो नाका पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग लेटरल रूट्स हैं और खासतौर पर अलोंग द हाईवे को लेकर बात करें तो जो अलग अलग नाका पॉइंट्स होंगे वहां पर जो है अब महिला पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगी, जो हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच करेंगी। और खासतौर पर इन महिला पुलिसकर्मियों की बात करें, महिला पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, तो इनकी तैनाती जो है वो चिट्टा हॉटस्पॉट के पास भी अब दिखाई देगी, यानी यहां पर नशे का इलीगल गोरख धंधा जो वो जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों में किया जाता है, अब वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात होंगी और वो हर एक गतिविधि के ऊपर नजर रखेंगी। और खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से चिट्टा हॉटस्पॉट के आसपास इनकी जो ड्यूटी है महिला पुलिसकर्मियों की, महिला पुलिस ऑफिसर्स की लगाई गई है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से लेटरल रूट्स की हम बात करें, जो हमारे प्रोमिनेंट रूट्स हैं वहाँ पर भी ये तैनाती जो है वो महिला पुलिसकर्मियों की गई है, और अलॉन्ग द हाईवे के साथ जो नाका है वहाँ पर भी इनकी तैनाती की गई है, क्योंकि हर गतिविधि के ऊपर नजर रखनी है, अपराध को पूरी तरह से खत्म करना है और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब जो है महिला पुलिस कर्मियों की यानी महिला पुलिस ऑफिसर्स की अभी जो है एक अहम भूमिका हमें देखने को मिलेगी, जिसको लेकर महिला पुलिस कर्मी जो है वो अलग अलग नाका पॉइंट्स पर तैनात हो चुकी है। जो तस्वीरें आप साथ साथ में देख पा रहे हैं, यानी महिला पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो उनकी तैनाती अब बड़े लेवल पर हमें जिला सांबा में देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने यह भी कहा है कि जो हाईली क्वालिफाइड महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनको स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई है, उनकी तैनाती की गई है और इनकी भागीदारी जो है वो अलग अलग एजेंसीज में भी अब देखने को मिलेंगी, जिसमें एंटी एनडीपीएस टीम स्क्वाड को लेकर बात करें तो उसमें इनकी भूमिका होगी महिलाओं की, और उसी के साथ साथ भूमिका होगी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच में या और भी जो अलग अलग कंसर्न्ड पुलिस के साथ जो एजेंसियां होती हैं उसमें। तो ये एक अहम फैसला है और एक बड़ी जानकारी है जिला पुलिस सांबा के हवाले से जो इस समय की सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह से जो है महिलाओं का एक हमें जबरदस्त रोल जो है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पर महिला पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, महिला पुलिस कर्मियों की बात करें, तो ये एक ही मोटिव है जिस मोटिव को लेकर एसएसपी सांबा बेनाम तो जी सांबा में आए हैं कि हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को, नशे को पूरी तरह से जिला सांबा से खत्म करना है और उसी के साथ साथ जो है हीरोइन चिट्टा हॉटस्पॉट जो है वहां जो है वो पैनी नजर रखनी है, उसी को लेकर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, महिला पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। और तस्वीरों में आप ये भी देख रहे हैं कि महिला पुलिस कर्मी ऑफिसर जो है इस समय अलग अलग इलाकों में जो नाका पॉइंट्स है वहां पर गश्त कर रही है, तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी गहनता से कर रही है, डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। तो अब आपको जो है पूरी तरह से एक नया रोल जो वो जिला पुलिस सांबा का देखने को मिलेगा, और ऐसा जिला सांबा में पहली बार हो रहा है। तो इससे पहले आप देख रहे हैं कि वुमेन सेल को लेकर बात करें तो वहां पर जो है एक विशेष टीम है महिला पुलिस ऑफिसर्स की, महिला पुलिस कर्मियों की, जो महिलाओं के जो कंसर्न्ड केसेस होते हैं उनको लेकर बात करें तो वो उन केसेस को देखती हैं, और 24/7 ये वुमेन सेल जो है ये एक्टिव रहता है और ऑन कॉल ये सिस्टम रहता है कि अगर किसी भी महिला को कोई परेशानी आती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, तो इससे पहले आपने वुमेन सेल में जो है महिलाओं की, पुलिस कर्मियों की, महिला ऑफिसर्स की एक भागीदारी देखी है जो महिलाओं के मामलों को सुलझाती है, लेकिन अब क्राइम को खत्म करने के लिए
हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को खत्म करने के लिए जिला सांबा से जो है उसी को लेकर महिलाओं को एक नई जिम्मेवारी दी गई है जिसमें महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस ऑफिसर्स अब जिला सांबा के अलग अलग इलाकों में आपको तैनात दिखेंगी और हर एक सिचुएशन पर नजर रखेंगी क्राइम को खत्म करने के लिए। और स्पेशली चिट्टा हॉटस्पॉट को लेकर बात करें तो उसके आसपास महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी, महिला पुलिस ऑफिसर तैनात होंगी, इसमें साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है जिला पुलिस सांबा ने। और इसमें एंटी एनडीपीएस टीम, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच और पुलिस जो है एक रणनीति के तहत जो है इसमें महिला पुलिस कर्मियों को जो है ये ड्यूटीज जो है वो दे रही हैं, जिसे पूरी तरह से बखूबी से निभाने के लिए हमारी महिला पुलिस कर्मी, हमारी महिला पुलिस ऑफिसर जिला पुलिस सांबा की पूरी तरह से तैयार है। तो ये बड़ी जानकारी, नशे को खत्म करने के लिए और क्राइम को खत्म करने के लिए अब महिलाओं की भी पैनी नजर जो है वो अपराधियों पर होगी, कोई भी अपराधी अब जिला पुलिस सांबा से नहीं बच पाएगा। बड़ी जानकारी जिला सांबा से और जिला पुलिस सांबा के हवाले से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया कैमरामैन राहुल के साथ, जेके मीडिया के लिए। दूसरा वो स्कैन वाला नहीं लिया, अभी कहाँ गए थे? अच्छा, पर सीट बेल्ट पहननी है, कोई ऑपरेशन हुआ है? आप पहन लो, ये नहीं लगा सकते, आप पहन लो सीट बेल्ट, आपको पता जरूरी होती है, हाईवे है ये। सीट बेल्ट पहननी है आपको, पता है दोनों ने पहननी है। अभी